नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश और आज नए वीडियो के साथ में दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात कर रहा हूं। हमारे कई साथियों ने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कि सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, 20 पे आकर के अटक गई है, 30 पे आकर के अटक गई है, 35 पे आकर के अटक गई है, हमारे को 40 की स्पीड चाहिए लेकिन हम 40 की स्पीड अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आपकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, इसके कुछ कारण मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। हो सकता है शायद आप लोग भी उसी तरीके की कोई गलती कर रहे हों, उसकी वजह से आपकी स्पीड जो है एक जगह पे अटक गई है। सबसे पहला जो मेरे को कारण नज़र आता है वो ये है कि जो मैंने अपने पुराने वीडियो के अंदर जितने भी हिंदी टाइपिंग के और अंग्रेजी टाइपिंग के अभ्यास दिए हैं, तो काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि बोले अभ्यास नहीं करके हम सीधा शब्दों का अभ्यास कर लें ताकि शब्द लिखने आ जाएंगे और हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हमारे साथी ऐसा सोचते हैं तो पूरी तरीके से गलत सोचते हैं। आपको जितनी भी मेहनत करनी है वो टाइपिंग की एक्सरसाइज पे मेहनत करनी है। जैसे अगर अंग्रेजी की टाइपिंग की बात करें तो पोजीशन पे हाथ रख के ए एस डी एफ जी एफ अपोस्ट्रोपी सेमी कोलन एल के जे एच जे, और ऊपर वाली एक्सरसाइज की बात करें तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी आर पी ओ आई यू वाई यू जेड एक्स सी वी बी वी, और इधर से सेमी कोलन लेस देन ग्रेटर देन एम एन एम, ये अंग्रेजी की टाइपिंग है। इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। फिर उसके बाद में टाइपिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, आप क्या करेंगे, टाइपिंग जो है शब्द पढ़कर या शब्दों को देखकर टाइपिंग नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आपके सामने जो डिस्प्ले बोर्ड लगा है, अगर आप हार्ड कॉपी से टाइपिंग कर रहे हैं तो डिस्प्ले बोर्ड जो मैटर है वो आपका कंप्यूटर की राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा ताकि नज़र आपकी उस मैटर के ऊपर रहे, और आपको एक एक कैरेक्टर पढ़ते हुए जाना है और उसी के अनुरूप कीबोर्ड पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने बिना देखा देख कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस कर ली है तो आप जो कैरेक्टर देखोगे उसी फिंगर से आप बटन को प्रेस करेंगे और आपकी स्पीड चलती रहेगी। अगर इस तरीके से आप लगभग एक सप्ताह भी अभ्यास कर लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि अंग्रेजी की टाइपिंग का अभ्यास आपका बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ जाएगी। तरीका सिंपल सा है, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत किस पे करनी है, टाइपिंग की एक्सरसाइज के ऊपर। सेम यही मेथड हिंदी के अंदर भी आपको अप्लाई करना है, लेकिन हिंदी के अंदर थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा है इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमारे साथी क्या करते हैं, टाइपिंग की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने टाइपिंग की एक्सरसाइज की होती तो मेरे जितने भी वीडियो हैं उसमें मैंने हमेशा आपको चैलेंज किया है कि अगर आपने एक्सरसाइज अच्छे से की है तो आपकी स्पीड हमेशा बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो आपने कीबोर्ड पे बहुत अच्छी तरीके से कर ली है, उसके बाद तो आपको सिर्फ मैटर ही टाइप करना है। दूसरा कारण क्या होता है कि जब आप टाइपिंग की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं करते हैं ना और फिर आप मैटर की प्रैक्टिस करते हैं, तब उसमें क्या होता है, बहुत सारी गलतियाँ होती है शब्दों को लिखने में, क्योंकि जो शब्द आप लिखना चाह रहे हैं वो समय पे आपको याद नहीं आता है और आपके गलत हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, उस शब्द को तो छोड़ देते हो और आसान शब्द होते हैं उनकी टाइपिंग करते हो। दोस्तों ये प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, कीबोर्ड के अंदर हिंदी की टाइपिंग के अंदर 66 कैरेक्टर हैं, 66 कैरेक्टर की आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में आप लगातार टाइपिंग करते रहिएगा, स्पीड आपकी शुरुआत में हो सकता है धीरे रहेगी लेकिन आप तरीके से अगर लगातार टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड निश्चित रूप से बढ़ेगी। तीसरा और सबसे मेजर फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ कि टाइपिंग करते वक्त क्या होता है, जैसे कोई शब्द गलत हो गया, गलत होने के बाद में आप क्या करेंगे, बैक स्पेस से उसको पहले ठीक करेंगे फिर आपको उसको सही करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा गलत है। मैंने अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर एक भी बैक स्पेस का बटन नहीं रखा हुआ है, मैंने स्टार्टिंग से ही उनको हटा दिया है। तो जब बच्चे अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी बैक स्पेस की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल होती नहीं है, तो जब वो मैटर टाइप करते हैं तो उनके गलती होने का चांस नहीं होता है। बाय द वे अगर गलती हो भी जाती है तो उनको सुधारने का समय नहीं होता है, आगे बढ़ जाते हैं वो। ऐसे में क्या होता है कि जब बैक स्पेस की प्रैक्टिस आपकी अगर गलत पड़ गई तो आपकी स्पीड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो करेगी। कई बार क्या होता है कि हमारे जो साथी हैं वो जैसे हिंदी की टाइपिंग सीख रहे हैं, अभी अच्छी तरीके से टाइपिंग का अभ्यास कर रहे हैं, पहली एक्सरसाइज कर ली, दूसरी एक्सरसाइज कर ली, तीसरी एक्सरसाइज कर ली और उसके शब्द भी बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनके पास में मैटर की कमी होने लग जाती है और वो मैटर की कमी है वो आपको बहुत ज़्यादा खलने लग जाती है, क्योंकि किताब से अगर आप टाइपिंग करेंगे तो वो तो बहुत एक लेवल की टाइपिंग हो जाती है, लेकिन आपको आसान और कुछ परफेक्ट मैटर की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप उसका अभ्यास कर सके। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान भी मैं इस बार लेकर के आया हूँ। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको
पीडीएफ के अंदर ये सारा मैटर अवेलेबल हो जाएगा, आप उसकी सहायता से अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस को सुधार सकते हैं। मैंने जो मैटर यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ये मैटर बहुत ज़्यादा टेस्टेड मैटर है और अगर आप बार बार उसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। जब आपने टाइपिंग की एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कर ली और उसके बाद में आप अपने आप को मेजर करना चाहते हैं कि अब मेरी एक्चुअल स्पीड कितनी आ रही है, मैंने कितने की स्ट्रोक प्रेस किए हैं पर मिनट, कितने वर्ड में टाइप कर पा रहा हूं, अगर इस चीज़ को आपको मेजर करना है तो आप इंडिया टाइपिंग के ऊपर भी अपने आप को मेजर कर सकते हैं, वहां से भी आप इस चीज़ की मदद ले सकते हैं। वहां पे हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों तरीके के मैटर अवेलेबल हैं, उस पर आप धीरे धीरे अभ्यास करके और इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदी की टाइपिंग बढ़ाने के लिए आपको ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा करके आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, चाहे वो हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको हमेशा से जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। आज का वीडियो बस इतना ही, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।